चावल से आटे की मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें हम चावल के आटे को डाल देंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट तक हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। हम इसमें घी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको सूखा ही फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट चावल के आटे को मैंने फ्राई कर लिया है और इसका जो रंग है वो भी हल्का सा यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इसमें अब हम डालेंगे दूध। यहाँ पर हम फैटफुल मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, इससे क्या होगा हमारी जो मिठाई है काफ़ी टेस्टी बनेगी। मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को इस समय आपको मीडियम टू लो पे रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चावल का आटा लिया है जिसमें 1/2 कटोरी दूध का इस्तेमाल किया है, जिससे ये अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाएगी। दूध के साथ आटे को मैंने मिक्स कर दिया है। इसमें अब हम डालेंगे कोकोनट का पाउडर, उससे हमारी जो मिठाई है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी और इसका जो टेस्ट है इतना अच्छा लगेगा कि ये जो दूध वाली मिठाइयाँ होती है उससे कम टेस्टी नहीं लगेगी। और अब हम इसमें डाल देते हैं शुगर पाउडर। शुगर पाउडर बनाना बहुत ही आसान है। चीनी को आप मिक्सी में डाल दीजिए और उसके बाद उसको ग्राइंड कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका पाउडर तैयार हो जाएगा। सभी चीज़ों को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने सामा का जो चावल होता है उसके आटे का इस्तेमाल किया है। सामा के चावल को धो करके उसको सुखा करके उसके बाद मैंने इसको मिल जो होता है चक्की उसमें पिसवा लिया है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी सावन स्टार्ट हो रहा है तो सामा के चावल जो होते हैं व्रत में भी खाए जाते हैं, तो इस रेसिपी को आप सावन में बना करके खा सकते हैं। ये एक व्रत की मिठाई भी है। और अगर आप ऐसे राखी वगैरह भी हो, अभी ये आने ही वाले हैं कुछ दिन में, तो राखी में भी इस मिठाई को अगर बनाएं, काफ़ी टेस्टी लगती है ये मिठाई खाने में, तो राखी में भी अगर आप इस मिठाई को बनाएं तो समा के चावल की जगह पे नॉर्मल चावल का जो आटा होता है उसका इस्तेमाल आप कर करके इस मिठाई को बना सकते हैं। नहीं तो समा के चावल से भी इस मिठाई को बना सकते हैं। राखी में भी टेस्ट में कोई डिफरेंट नहीं होता है, कोई भी जो टेस्ट है बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। मैंने यहाँ पे चीनी का जो पाउडर है वो इसलिए इस्तेमाल किया कि चीनी का पाउडर आसानी से मिक्स हो जाता है। चीनी को मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है और इसी के साथ हमारा जो आटा है मिठाई का वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको ठंडा होने देते हैं, फिर मिठाई बनाना हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मिक्स हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से ताकि जब हमें इसके रोल बनाएं तो ये चिकने बने। समा के जो चावल होते हैं वो व्रत में खाए जाते हैं और उसकी कोई भी रेसिपी आप व्रत में खा सकते हैं। खाने के साथ साथ भगवान शंकर को आप भोग भी लगा सकते हैं या फिर माता रानी को भी भोग लगा सकते हैं, गणेश चतुर्थी में भी भोग लगा सकते हैं, आप किसी भी भगवान को इसका भोग लगा सकते हैं। तो अब हम रोल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसके आप चाहें तो लड्डू पेड़े कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके रोल बना रही हूँ। थोड़े से अच्छे लगेंगे देखने में और खाने में भी। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और अगर आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो फैटफुल मिल्क इस्तेमाल किया है या फिर कोकोनट जो पाउडर इस्तेमाल किया है उसमें काफ़ी मात्रा में जो होता है सो घी होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे घी को स्किप कर दिया। क्योंकि फास्टिंग वगैरह में ज़्यादा ऑयली भी खाएं तो फिर तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, इसलिए ज़्यादा ऑयली मैं यहाँ पे नहीं बना रही हूँ इस रेसिपी को। ये देखिए सारे रोल आपको इसी तरीके से, थोड़े से चावल के जो आटा होते हैं वो थोड़ा सा चिकने कम होते हैं इसलिए थोड़ा सा मेहनत लगता है इन्हें चिकना करने में, बट ये काफ़ी अच्छे बन करके रेडी हो जाते हैं। इसी तरीके से सारे रोल आपको रेडी कर लेने हैं बना करके। एक और बना करके मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। और ये देखिए काफ़ी अच्छी मिठाई यहाँ पे बन करके रेडी हो चुकी है। तो सारी मिठाइयाँ बन जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी रोल्स बना करके मैंने रेडी कर लिए हैं और इसी तरीके से सारे रोल्स को बना करके आपको रेडी कर लेना है। तो अगर इस व्रत की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय।